आ जा बेटा, अपन पढ़ रहे हैं अभी, पता है क्या? हाँ, अपन अभी बेटा पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 19. क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 19. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक खत्म किया था? सेक्शन नंबर 18 तक. चलो एक बार शुरू हो जाओ. सेक्शन नंबर 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड. सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट. सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, वेयर हाउस. सेक्शन 10, इनलैंड कंटेनर डेपो. सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, वेलफेयर गुड. सेक्शन 14, वैल्यूएशन. सेक्शन 15, रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. सेक्शन 16, रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. सेक्शन 17, सेक्शन 18, बस याद हो गए. चलिए अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 19 के ऊपर. ये एक सिचुएशन है सेक्शन नंबर 19. देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी व्हेन आर्टिकल कम्स इन सेट. कुछ आर्टिकल सेट में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं गर्ल्स के लिए नेकलेस सेट, ब्राइड के लिए, ब्राइड ही बोलते हैं ना उसको, हाँ उसे ब्राइड ही बोलते हैं ना, ब्राइड के लिए बेटा वो पूरा सेट आता है ना, ब्राइडल सेट जिसको हम बोलते हैं. अब एक बात मुझे बता, बिना सेट के वो आर्टिकल बिकेगी? नहीं. मैंस के लिए सेविंग किट आती है, पूरा सेट में ही आएगा. क्या वो इंडिविजुअल आर्टिकल बिकेगी? बिल्कुल नहीं बिकेगी, नहीं बिक सकती ना. लेकिन एक बात बताओ, उसमें जितनी भी आर्टिकल है सबका इंडिविजुअल वजूद भी है, है ना, मार्केट में उसका इंडिविजुअल वजूद भी है. लेकिन इंडिविजुअल आर्टिकल खरीदने जाए तो महंगा पड़ेगा या सस्ता? लेकिन वो सेट सस्ता पड़ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सर अगर कोई आर्टिकल कभी सेट में आती है तो उसका क्या हम करें. तो देखो क्या लिखा, मैंने दो एरो बनाए हैं. पहले एरो में क्या लिखा है, गुड्स चार्जेबल टू ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. तो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ ड्यूटी जो भी स्पेसिफाइड है. अब आपसे किसी ने पूछा कि भैया बताना कस्टम का रेट ऑफ ड्यूटी कहाँ लिखा है, तो बोलना कस्टम टैरिफ एक्ट में. कहाँ लिखा हुआ है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1985 में. कहाँ पे? कस्टम टैरिफ एक्ट 1985. वहां पे देखो लिखा हुआ है ना, CTA, कस्टम टैरिफ एक्ट 1985, CTA. कहाँ लिखा हुआ है बेटा? CTA में. अब ध्यान सुनना, रेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट कहाँ लिखा हुआ है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1985. ठीक है, ये क्या है? टैक्स की मॉड्यूल है. ये देखो टैक्स की मॉड्यूल अपनी, ध्यान से. चलो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कस्टम टैरिफ एक्ट. ध्यान सुनना, कस्टम टैरिफ एक्ट के बेटा दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल 1 में दे रखा है रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी और शेड्यूल 2 में रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. लिख लो, शेड्यूल 1 में क्या है बेटा? रेट ऑफ इंपोर्ट. ये MCQ में बहुत क्वेश्चन पूछता है बेटा. कस्टम टैरिफ एक्ट के दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. और शेड्यूल 2 में क्या दे रखा है बेटा? रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. शेड्यूल 1 में रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी और शेड्यूल 2 में रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. शेड्यूल 1 में रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी और शेड्यूल 2 में रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. इतनी बातें समझ में आ गई? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है ध्यान से सुन. अगर तेरी आर्टिकल जो है वो क्वांटिटी वाइज टैक्सेबल है तो सिंपल, जितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्यूटी. कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आ जाओ, गुड्स चार्जेबल विथ अ ड्यूटी विथ रेफरेंस टू द वैल्यू. पता क्या है? अब पता कर, जो तेरे बॉक्स में आर्टिकल है ना उसमें से सबसे हाईएस्ट किसका है वही ड्यूटी लगेगा. मान लो बॉक्स में तुम्हारी चार आर्टिकल है, ABCD. ए का टैक्स रेट 5%, बी का टैक्स रेट 10%, सी का टैक्स रेट 8% और डी का टैक्स रेट 20%. तो टैक्स रेट कितना होगा? 20%, विच एवर इज हायर. आ गया समझ में? पक्का? ये है बेटा आपका सेक्शन नंबर 19. ये क्या है आपका सेक्शन नंबर 19? वो तो एग्जांपल दिया था. सिगरेट का जो ड्यूटी लगता है ना बेटा वो नंबर ऑफ पीसेस के ऊपर लगता है और सिगरेट के लेंथ के ऊपर लगता है. जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा टैक्स रेट लगेगा, जितना बड़ा सिगरेट उतना ज़्यादा टैक्स. ठीक है, जैसे मान लो सिगरेट के, मान लो बोल रखा है कि एक सिगरेट के ऊपर 5 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा. अब मैं तेरी वैल्यू कुछ नहीं देख रहा,
सीधा उसके ऊपर ₹5 टैक्स देना पड़ेगा। इसके ऊपर बेटा ITC का एक केस हुआ था। आपने देखा होगा सिगरेट के दो पोर्शन होते हैं, एक येल्लो और एक वाइट। येल्लो को बोलते हैं फिल्टर और वाइट जो होता है वो स्मोकेबल होता है। अच्छा बताओ येल्लो पार्ट क्यों होता है? अच्छा धुआं जाए अंदर, बाहर बाहर ही रह जाए गंदा वाला। नहीं बेटा, वो फिल्टर इसलिए लगाया जाता है कि जब तुम मुंह में सिगरेट डालते हो ना बेटा, तो जब तुम स्मोक करते हो तो स्मोक अंदर लेते हो तो बाहर से आउटफ्लो आता है किसका, एयर का। तो अगर वो फिल्टर नहीं रहा तो आउटफ्लो इतना तेज़ होगा कि सिगरेट सीधा तुम्हारे मुंह तक जाएगी जलते हुए। वो फिल्टर इसलिए होता है ताकि एयर फ्लो को वो कम कर सके। एयर फ्लो को क्या कर देगा बेटा? एयर फ्लो को क्या कर सके? कम कर सके। क्या सिखा क्या रहा हूँ मैं? लायक ये तो लॉजिक वाली बातें बता रहा हूँ ना, गलत थोड़ी सिखा रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, तो अब मुझे बताओ वो जो फिल्टर होता है ना फिल्टर, तो ITC बेटा सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिगरेट की। पता है कौन बना? ITC किसकी है? गवर्नमेंट की। ITC किसकी है बेटा? गवर्नमेंट की। अब मुझे बताओ सिगरेट पिला कौन रहा है? और कैंसर हॉस्पिटल भी किसने खोल रखा है? ये तो वही वाली बात हो गई बेटा, जख्म भी हम ही देंगे, मलहम भी हम ही लगाएंगे, बस तुम आ जाओ सिगरेट पियो, कैंसर लेके आओ, और फिर हम क्या बोलेंगे, हम तुम्हारा फ्री इलाज कर रहे हैं। हम तुम्हारा क्या कर रहे हैं बेटा? फ्री इलाज कर रहे हैं। बेटा कोई फ्री नहीं होता, कोई फ्री नहीं होता। और बेटा मैंने टाटा मेमोरियल का एक सीन देखा, बहुत मस्त है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है ना बेटा, मतलब इधर प्राइवेट है और रोड के उस साइड गवर्नमेंट है। उन्होंने क्या कर रखा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बना रखा है ऊपर ऊपर से, ठीक है। तुम्हें एंट्री लेंगे गवर्नमेंट में, टोकन कटेगी गवर्नमेंट में, और सारा जांच होगा प्राइवेट में, ठीक है। एक जांच 5,000, 2,000, 3,000, ऐसे बहुत लूटते हैं। सारी एंट्री किधर से होती है? और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं प्राइवेट से कब चला गया, मैं अंदर ही अंदर किधर, गवर्नमेंट वाले में, गवर्नमेंट से प्राइवेट में। ऐसा पूरा सीन है बेटा, मैं तो जाके आया ना, बहुत ही डेंजर सीन है। अब एक बात मुझे बताओ, ITC जब सिगरेट बना रही थी ना, तो बेटा उसके ऊपर कुछ याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, और 250 करोड़ का कुछ ड्यूटी अमाउंट बन रहा था। तो ITC ने जो टैक्स कैलकुलेट किया था वो ओनली स्मोकेबल पोर्शन का किया था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती थी, ना मैं तो पूरे सिगरेट का लूँगा। क्यों भाई, तेरा सिगरेट पूरा बिक रहा है ना? और क्या वो उसने क्या बोला कि सर जो मार्केटेबल है उसका लो ना, हमने वो नीचे वाला क्यों डाला है, वो तो जस्ट फिल्टर है, अगर ना डालू तो इंसान का मुंह ही जल जाएगा भाई, ठीक है। वो तो हमने ऐसे थोड़ी डाले, वो हम बेचने के लिए थोड़ी डाले हैं। गवर्नमेंट बोले नहीं मैं तो कुछ नहीं मान रहा, मैं तो पूरा लूंगा। गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स बन रहा था 350, और इसके हिसाब से 250 करोड़ का ज्यादा। ITC जिद करने लगी गवर्नमेंट, नहीं सर हम तो पूरा लेंगे। ITC ने बोला ठीक है हम दे रहे हैं टैक्स, और कल से सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग बंद। पता है गवर्नमेंट का बोल रहे भैया तू तो नाराज हो गया, इतनी जल्दी बुरा मान गया, ठीक है 250 करोड़ के लेके आ जा। क्योंकि उनको पता है कि बेटा जिस दिन सिगरेट और दारू इंडिया में बंद हो गई, मैं खुला YouTube चैनल पे बोल रहा हूँ बेटा, सिंपल उस दिन इंडिया का वजूद खत्म है। क्यों? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आती है? दारू और सिगरेट से। क्योंकि इंसान कुछ भी हो जाए बेटा दारू पियेंगे, कुछ भी हो जाए टशन में सिगरेट धूकेंगे ही धूकेंगे, टशन में हम सिगरेट धूकेंगे ही धूकेंगे बेटा। और गवर्नमेंट को पता है ये चीज़ छूटने वाली नहीं है। जैसे अभी जियो ने बेटा एक लत लगाई है, क्या फ्री डाटा, ठीक है बेटा। पहले इंस्टाग्राम एक अच्छा सा साइट था जिस पे नॉलेज मिलते थे, अभी सिर्फ ठुमके की दुकान है, अभी ओनली बेटा वो ठुमके की दुकान है। अगर देखा जाए तो मैं सिंपल बोलूँ टिकटॉक का अपडेटेड वर्जन है, टिकटॉक का वो अपडेटेड वर्जन है। हाँ, और जो टिकटॉक की बेइज्जती करते थे ना वही वहाँ पे उधर ठुमके लगा रहे हैं, ठीक है। अभी बेटा आपने देखा होगा इसमें टिकटॉक से एक स्टार फेमस हुई थी ब्यूटी खान, कलकत्ता की है, छोटी सी लड़की थी ना ब्यूटी खान, क्या याद नहीं मैं उसकी बता रहा हूँ। उसने एक्चुअली अभी रिसेंटली कोई एक पोस्ट डाला था इस पर रील्स पे, उसका एक फ्रेंड है उसके साथ, तो MG हेक्टर कार डाली थी कि मैंने एक नई कार खरीदी MG हेक्टर। तो वहाँ पे एक बंदा था, किसी ने पोस्ट किया था, बोल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई तो डिग्री थी उसके पास, CA CS है कुछ तो डिग्री प्रोफेशनल था उसके पास। वो क्या बोलता है, हम दिन भर रगर के भी MG हेक्टर नहीं खरीद पाए, और ये ठुमके लगा लगा के MG हेक्टर खरीद ली, ठीक है। फिर मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने कुछ वहाँ पर देखा,
कि जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस बनाई जाती हैं उन वीडियोस के व्यूज के ऊपर पेमेंट मिलते हैं, ठीक है, कुछ हजार व्यूज के ऊपर कुछ 50 पेमेंट है, और सबसे ज्यादा पेमेंट मिलता है उन वीडियोस के ऊपर जो टेक्नोलॉजी वाली होती है और डांसिंग वाली होती है, उनके ऊपर ज्यादा पेमेंट्स मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान का एक यूट्यूबर है अमित करके कुछ नाम है, क्रेजी एक्स वाई जेड अमित नाम है उसका, उसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है क्योंकि वो ज्यादातर इन्वेंशन करता है, और नलायक ऐसे ऐसे इन्वेंशन करता है ना, उसे पता क्या करता है, वो आएगा गाड़ी को लेके गाड़ी पे रोड लोडर चला देगा, ठीक है, गाड़ी को 3 महीने के लिए दफना देगा, फिर देखेंगे दफनाने के बाद क्या बचती है इसमें से, ठीक है, ऐसे ऐसे इन्वेंशन, और लोग मजे से देख रहे होते हैं। सोचो लोग के पास फालतू टाइम कितना है, मैं इमेजिन करता रहता हूँ कि लोगों के पास फालतू टाइम कितने हैं जो इन वीडियोस के ऊपर 15-15 लाख व्यूज होते हैं, 1 मिलियन व्यूज होते हैं। और आपने देखा होगा अभी एक साउथ अफ्रीका एक बंदा है जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुआ है, कुछ तो है, जिसका बेटा 6-6 मिलियन व्यूज होते हैं, बस ऐसे ऐसे एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, और 6-6 मिलियन उसके व्यूज है, 7-7 मिलियन व्यूज है। तो बेटा हमारे पास सोचिए फालतू टाइम कितना है। देखा जाए तो जियो आने के बाद हम बेरोजगार जरूर हुए हैं, अब बेरोजगार में रोजगारी ढूंढी है। इमेजिन करो ना हमारी लाइफ में कितनी दुख दर्द है कि कपिल शर्मा हंसा के कमा रहा है, सोचिए हमारी लाइफ में कितना दर्द है। इमेजिन करो, मैं उसकी अर्निंग की बात नहीं कर रहा, वो जो भी कर रहा है अच्छा है, लेकिन हंसा के कमा रहा है, मतलब हमारी लाइफ में देखो टेंशन कितना है, कितनी प्रेशर वाली लाइफ हम जी रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, मैं लाइफ को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, हम क्या चीज कर रहे हैं अपने में, क्या बोल रहे बिग बॉस वो तो बेटा ऐसा लगता है बिग बॉस नहीं है वो ऐसा है कि लाइव टेलीविजन पे वो ये बता रहा है हाउ डू यू अब्यूज, कितना ज्यादा तुम गाली दे सकते हो बताओ हमें, पता है कौन किसको कितना ट्रोल कर रहा है बताओ। आपको पता है अभी रिसेंटली वो जो पर्सन बहुत अच्छा एक्टर था जो भी रिसेंटली एक्सपायर कर गया, क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ, बाप रे उसका जो जब वो बिग बॉस में आया था क्या गुस्सा था उसके अंदर, और एक लड़की थी ना वो कौन से, हाँ वो तो बेटा हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी उसके, हाथ धो के वो पीछे पड़ी हुई थी। आ जा बेटा सेक्शन नंबर 19 समझ में आया या नहीं, अब आ जा बेटा सेक्शन नंबर 20 क्या, सेक्शन नंबर 20 बेटा, मैं लाइफ को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ बहुत ज्यादा, किस चीज के अगेंस्ट नहीं है बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इन सब चीजों से हमारा एक चीज ड्रॉबैक पे जाता जा रहा है, हम पहले एक चीज पे बहुत आगे थे एजुकेशन, अभी हमारा एजुकेशन बहुत बैकवर्ड पे जाता जा रहा है, ठीक है। एक बात मुझे बताओ CBSE का कोर्स, उन्होंने तो स्टूडेंट को भगवान बना दिया है, 99% दिल्ली की कॉलेज एडमिशन लेती है, 99 होगा तो ही एडमिशन लेंगे, मतलब तुम ब्रह्मा के दूसरे रूप हो बेटा, ठीक है। और हमारी देखो एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड हो गया है, ए बी सी डी, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, ए मतलब ठीक है, और सी है तो गिरा हुआ इंसान है भाई, तो इंसान के कैटेगरी में ही क्यों है तुम इंसान की कैटेगरी में, ऐसे हमारे बेटा ग्रेडिंग सिस्टम है। देखा जाए तो एजुकेशन को तुमने जो है ना एक वो बना के छोड़ दिया है, कंपटीशन का दौर, जहाँ पे बच्चा आज एजुकेशन नहीं कर रहा होता कंपटीशन लगा के सुसाइड कर रहा होता है, और मैं बोलूँ तो तुमने एजुकेशन को और कुछ नहीं सुसाइड का एक जरिया बना दिया है। बच्चे फेल किए कहाँ चले जाते हैं, पंखा जल्दी दिखता है, इसलिए घर में लोगों ने एसी लगाना शुरू कर दिया, अब तू लगा बेटा उसके ऊपर एसी नीचे आएगी, ठीक है। आपने देखा होगा मुंबई के घरों में बेटा सीलिंग फैन के अंदर वो करीबरी नहीं डालते हैं, क्यों बेटा, ज्यादा केसेस होने लगे हैं, समझा। और दिल्ली तो बेटा ऐसा है, और इंडिया में बेटा एक चीज और है, खासकर इंडिया में एक चीज ऐसा है, हम अपनी भाषा को बोलने में शर्म करते हैं, इंग्लिश बोलने में प्राउड फील होता है, ठीक है। और इंग्लिश भी नलायक उसके सामने बोलेंगे ना ऑटो वाले भैया को, विल यू गो टू बोरीवली, जाएंगे भाई क्या है ये, समझा। तो ऐसी बातें चल रही है इंडिया में, तो बेटा इंग्लिश बोलना एक वो फैशन सा हो गया है, ठीक है। अपनी भाषा बोलने में क्या होती है, इतनी शर्म आती है ना, इतनी शर्म आती है, हम इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। क्या क्या दिल्ली, दिल्ली में बेटा एजुकेशन के मामले ऐसे बहुत होते हैं, दिल्ली में तो इंग्लिश बोलने के ऊपर तुम्हें अपर और लोअर दिखाया जाता है, तुम अपर कास्ट के हो, तुम लोअर कास्ट के हो, वगैरह वगैरह।
और एक बात मुझे बताओ, अगर मैं CS कर लूँ या CA कर लूँ लेकिन तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, गवा रही हो तुम, गवा रही हो, CA कर लो लेकिन विदाउट CA भी अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, पढ़े लिखे हो, और आज मुझे बताओ कैसे पता चलता है कि तुम पढ़े लिखे इंसान हो? ना नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, तुम्हारा पहनावा, बस तुम शो ऑफ करना शुरू करो। आज तक मुझे बेटा किसी ने बोला कि तू एजुकेटेड है, क्यों? क्योंकि मेरे पहनावे के ऊपर कोई आज तक नहीं बोला कि ये CA क्वालिफाई होगा या CS क्वालिफाई होगा, कोई नहीं बोलता, ठीक है? लेकिन जब उसके सामने लेक्चर वगैरह देता हूँ तब पता चलता है हाँ बंदे में कुछ तो है, अदरवाइज आज तक मुझे कभी किसी ने बोला ही नहीं कि तुम्हारे अंदर ऐसी डिग्री भी दिखती है। अब मैं अपने जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ना, उस बिल्डिंग में मेरी बाइक्स को देख के वहाँ के जितने भी लोग हैं ना, वो ये सोच रहे थे सबसे पैसा वाला इंसान यही है, सबसे पैसा वाला इंसान यही है। फिर एक दिन एक अंकल मुझे पूछते हैं कि बेटा तेरी मतलब करता क्या है तू? तो मैंने बस इतना बोला कि मैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और LLB के बच्चे को लॉ और टैक्स पढ़ाता हूँ। तो फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखे, तुम पढ़ाते हो? फिर मैंने बोला हाँ अंकल पढ़ाता हूँ मैं। वो लगते नहीं हो कि तुम इतनी नॉलेज लेके बैठे हो। तो मैंने पूछा क्यों बेटा, तुम एकदम नॉर्मल से रहते हो, तुम्हारा कोई इतना शो ऑफ नहीं है, बस तुम अपनी गाड़ियों के पीछे थोड़ा ज़्यादा पागल हो, बाकी तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मैं पहनावा देखता हूँ, तुम ऐसे ही नॉर्मल निकल जाते हो, कुछ भी पहन के निकल जाते हो, तुम्हारा ऐसा नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलूँ उनको, मैं चुपचाप अंदर चला गया रूम में, और हाँ और बस इसी बात है, मैं घर पर हाफ पैंट भी घूमता हूँ, ठीक है? तो अब उन्होंने बोला तुम घर से बिल्डिंग से नीचे भी नहीं उतरते, सोसाइटी का किसी काम में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, ये मंदिर वंदिर बना उसमें नहीं तुम्हें देखता हूँ, तुम आते हो सुबह 4 बजे, तुम आते हो बिल्डिंग के नीचे उतरते हो, बाइक निकाला और चले जाते हो। और मैं फिर उनको यही बोला कि आप मुझे ये बताओ आप मेरे ऊपर निगरानी रखते हो क्या? और यहाँ तक बेटा उस बिल्डिंग में, मेरी बिल्डिंग में सबको पता है कि मैं कितने बजे निकलता हूँ, ठीक है? तो मैंने पूछा कि अंकल ये बताओ मैं कितने बजे निकलता हूँ, ये आपको कैसे पता? बोलता बेटा तू निकलता पता नहीं चलता, लेकिन तेरी जब बाइक की जब म्यूजिक बजती है तो मुझे पता चल जाता है। समझा नहीं समझा? पूरे फुल गुजराती है। आ जा बेटा सेक्शन नंबर 20। अब आ जा बेटा सेक्शन नंबर 20। आ जा इधर बेटा, बस 3-4-10 मिनट और। सेक्शन नंबर 20, री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। क्या हम पढ़ रहे बेटा? री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान से देखो, री इम्पोर्ट का मतलब क्या है? पहले तूने एक्सपोर्ट किया होगा तभी तो री इम्पोर्ट हुआ होगा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुम री इम्पोर्ट कर रहे हो फॉर पोस्टल कंजम्पशन, नो टैक्स। री इम्पोर्ट फॉर पोस्टल कंजम्पशन, नो टैक्स। दूसरा कॉलम देखो, अगर तुमने एक्सपोर्ट जो किया था ना वो ड्यूटी ड्रॉबैक पे था। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है कि भाई जो मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी दिया था उसका मुझे सेट ऑफ मिल गया, किसके साथ? एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ। एक बात मुझे बता, एक्सपोर्ट करेगा तब ना ड्रॉबैक। अब मुझे बता, तूने एक्सपोर्ट किया, ड्रॉबैक ले लिया, अब दोबारा आर्टिकल क्या हो रही है? इम्पोर्ट। क्या तूने एक्सपोर्ट किया तो क्या तेरा ड्रॉबैक बनता है? नहीं। बता मैंने क्या बोला, मैंने जब आर्टिकल एक्सपोर्ट किया तो इम्पोर्ट ड्यूटी का क्या मिल गया मुझे? सेट ऑफ मिल गया। एक्सपोर्ट किया तो इम्पोर्ट का क्या मिल गया? सेट ऑफ मिल गया। अब क्या हो रहा है कि मैं आर्टिकल रीइंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट किया क्या? नहीं ना। तो सेट ऑफ मिलेगा क्या? तो जो सेट ऑफ तूने लिया था वो वापस करो, समझा? तो इसलिए वहां पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ जितना तुमने ड्यूटी ड्रॉबैक लिखा था वो पे कर दो, बट एक कंडीशन है बेटा, ये बेनिफिट तब दूंगा 3 साल के अंदर मैं रीइंपोर्ट कर। अगर 3 साल के बाद रीइंपोर्ट करेगा तो उसको फ्रेश इंपोर्ट मानूंगा, टैक्स लूंगा पूरा टैक्स लूंगा, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक से काम नहीं चलेगा, पूरा टैक्स लूंगा। समझ में आया? देखो इसको ऐसे समझो भाई, जब मैंने इंपोर्ट किया था तो मैं 1 लाख का टैक्स दे के आया था, एक्सपोर्ट किया तो मुझे 2 लाख का टैक्स देना था, तो मैंने 1 लाख का क्या ले लिया? सेट ऑफ लेके सिर्फ 1 लाख पे कर दिया। इसी सेट ऑफ को क्या बोलते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBK, ठीक है? अब एक बार बताओ, मैं आर्टिकल एक्सपोर्ट किया तभी तो मुझे 1 लाख का ड्रॉबैक मिला, अब मैं आर्टिकल रीइंपोर्ट कर रहा हूं तो क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं ना। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, जब बेटा तेरा एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं तो ये जो लिया था वो मुझे वापस कर।
समझा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब तू 3 साल के अंदर में रीइंपोर्ट कर लेगा, और 3 साल के बाद करेगा तो फ्रेश इंपोर्ट मानूंगा और नए तरीके से ड्यूटी कैलकुलेट करूंगा, समझा। चलिए नेक्स्ट आजी, अगर तुमने गुड्स को मंगवा ले और रिपेयर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो बोला ठीक है, जिस दिन तूने गुड 3 साल के अंदर में पहले गुड्स को ला, ठीक है, और 6 महीने के अंदर अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर दो। 6 महीने के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करके क्या कर दो बेटा, एक्सपोर्ट कर दो। 6 महीने के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करके क्या कर दो तुम, एक्सपोर्ट कर दो। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुम 6 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर दोगे तो नो टैक्स, और 6 महीने के बाद किया तो फ्रेश रिमूवल, क्या ले लूंगा उसके ऊपर, टैक्स। इन केस ऑफ, हाँ, नेपाल के लिए 10 ईयर्स है बेटा, नेपाल से अगर आर्टिकल आओगे तो 10 ईयर्स है, क्योंकि उनको ज्यादा प्रेफरेंस, बाजू वाली कंट्री है ना, ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, याद रहेगा। चलिए ये था बेटा सेक्शन नंबर 20। अब आता 21, बहुत ही सिंपल, जेट सम, फ्लोट सम, ड्रिलिक, रिक। पता है क्या होता है, एक बार याद है आपको जुहू बीच पे एक बड़ी सी शिप घूमते घूमते आ गई थी, एबेंडेंट शिप आ गई थी ना। कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं या फिर न्यूज चैनल में कि शिप डूब गई, आर्टिकल फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेटा जेटसम, फ्लोटसम, ड्रिलिक, रिक, ठीक है। अब पता है लॉ मेकर क्या बोलता है कि बेटा इस टाइप के गुड्स के ऊपर जो उस गुड्स को क्लेम करेगा वही टैक्स पे करेगा, जो उस गुड्स को क्लेम करेगा। मान लो गुड्स बहते बहते, मान लो अनिकेत का घर उड़ीसा में है, बहते बहते एक कार आ गई, ऑडी निकाल लिया इसने, सिप डूब गई थी भाई, एक ऑडी आ गई, इसने निकाल लिया, डिपार्टमेंट देख लिया बिना नंबर की ऑडी, बोला सर मैं तो नदी से निकाल के लाया हूँ, बोला ठीक है टैक्स भर दो। जो उस गुड्स को क्लेम करने के लिए आएगा वही क्या भरेगा बेटा, टैक्स भरेगा। आ रही है बातें समझ में, फिर टाटा एंड बाय बाय। नेक्स्ट आ जा बेटा अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, इसका पता है दूसरा मीनिंग क्या होता है, डिस्काउंट, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी डिस्काउंट। और ये कुछ नहीं है बेटा, डिपार्टमेंट ने फालतू का ये चोचला इतना बड़ा बना दिया। एक बात मुझे बताओ, तुमने 10 लाख का कोई गुड्स मंगाया, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का तुम्हें टैक्स देना है। कितने का गुड्स मंगाया, 10 लाख का, 1 लाख का क्या देना है बेटा, टैक्स। हुआ क्या, लोडिंग अनलोडिंग टाइम में क्या इंपोर्टर रहता है, नहीं ना, सब कौन कर रहा होता है, कस्टोडियन। तो लोडिंग अनलोडिंग करने टाइम में मेरी 1 लाख की गुड्स डैमेज कर दी, नुकसान हुआ मेरा। अब गवर्नमेंट अगर ये बोले कि भैया मैं पूरे 10 लाख के ऊपर टैक्स लूंगा तो कैसा लगेगा, भाई 1 लाख की तो मेरी आर्टिकल नुकसान हो गई ना, मैं उस नुकसान वाली आर्टिकल के ऊपर मैं क्यों टैक्स भरूं, नुकसान वाली आर्टिकल के ऊपर मैं क्यों टैक्स भरूं, ठीक है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, ठीक है इसका तुम्हें रिबेट मिल जाएगा। अब मुझे बताओ ये जो 1 लाख का टैक्स है वो कितने के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर, नुकसान कितने की हुई, तो अब मेरी आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो गई, 9 लाख। तो पहले मैं क्या करूं, 10 लाख का 1 लाख टैक्स है तो कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। अब मेरा बेटा 10% का रेट आ गया, अब मेरी आर्टिकल की वैल्यू कितनी बची, तो अब मैं 9 लाख के ऊपर टैक्स दूंगा तो कितना आएगा टैक्स, 90,000। पहले कितना लगने वाला था, अभी कितना लगा, मतलब 10,000 का क्या मिल गया मुझे, रिबेट। इसी को क्या बोलते हैं, अबेटमेंट। समझ में आया, सिंपल फंडा है कि भाई जो नुकसान हो गया मैं उसका टैक्स तुझे क्यों दूं। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन नंबर 23, पढ़ा चुका हूं, ड्यूटी अदर देन पिल्फरेड गुड्स। इसमें पहले ड्यूटी पे करो, डिपार्टमेंट को प्रूफ कर दो, अगर वो मान गया तो एग्जम्प्ट। याद है ना लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाओ बेटा डीनेचरिंग ऑफ गुड्स। अब देखो समझाता हूं क्या है ये। मान लो साक्षी को हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, साक्षी बेटा तू आउटसाइड, मान लो साक्षी का अपना मिल्क का डेयरी फार्म है, ठीक है, तो इसके कुछ यहाँ से भी मिल्क होते हैं और ये आउटसाइड इंडिया से बना लाती है और पनीर बना के बेचती है, ठीक है। साक्षी को क्या बोला, साक्षी बेटा सुन तू डायरेक्ट पनीर मत ला आउटसाइड इंडिया से, क्या ला, मिल्क, ठीक है, और मिल्क को फिर पनीर में कन्वर्ट कर और फिर पनीर को एक्सपोर्ट कर दो। बोला सर ऐसा करने से क्या होगा, बेटा डॉलर आएंगे, ठीक है। बोला तुम्हें हमारा साथ देना है। अब साक्षी ने पूरा फैक्ट निकाला, बोला सर सुनो मैं क्या लेके आऊँ, मिल्क मतलब रॉ मटेरियल, जब मैं लेके आऊँगी तो आप क्या लोगे मेरे से, इम्पोर्ट ड्यूटी, अच्छा जब मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करूँगी तो क्या लगा दोगे आप, GST, और जब उसको एक्सपोर्ट करूँगी तो क्या लगा दोगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। सर
आपको मैं दिखती छोटी हूँ लेकिन शकल से नहीं हूँ, दिखती मैं आपको छोटी हूँ लेकिन शकल से इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक बात बताओ मुझे सर, आर्टिकल मिल्क लाया, मिल्क को मैन्युफैक्चर किया, लाया तब टैक्स, मैन्युफैक्चर किया तब टैक्स, एक्सपोर्ट कर रही हूँ तब टैक्स, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी सर ऐसे में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, डीनेचरिंग करने की वजह से जो एक्स्ट्रा टैक्स तुझे लग रहा है, अब मुझे बताओ इम्पोर्ट करते तो भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगता, ठीक है, एक्सपोर्ट करते तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता, एक्स्ट्रा टैक्स क्या लग रहा है तुझे, बीच वाला जीएसटी ना। तो बोला ठीक है, डिनेचरिंग करने की वजह से जो एक्स्ट्रा टैक्स जो लग रहा है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे सच्ची में दर्द है तो माफ करूंगा, अदरवाइज नहीं, समझा। अगर उनको लगेगा कि सच्ची में तुझे नुकसान हो रहा है तो वो क्या कर देंगे बेटा, माफ, अदरवाइज पूरा टैक्स आपसे वसूल करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का? पता है उनको दर्द कब लगता है, एक ही टाइम, इंडियन गवर्नमेंट को बस एक ही टाइम रियलाइज होता है कि यस हमने पब्लिक के साथ कुछ तो गलत किया है। पता है कब? जब वो भीख मांगने के लिए आते हैं, किस चीज़ की, वोट की, आते हैं ना लीडर्स कि मुझे ही वोट देना, यही करना, उसी टाइम उनको लगता है कि यस इंडियन पब्लिक के साथ हमने कुछ तो किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट का बेटा गाना बहुत ज़ोरदार है, वोट लेने के टाइम में हम साथ साथ हैं और वोट लेने के बाद हम आपके हैं कौन, पूरा नचाएंगे वो। ये बातें समझ में आ रही है बेटा, 24 सेक्शन, ये आपका डीनेचरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। अब बोलोगे अमित सर 25 नहीं है, तो 25 में सीधा लिखा हुआ है डिपार्टमेंट को जब मन करेगा तो तुम्हें एग्जम्प्ट कर देंगे। अब वो मन बस कब करता है, ओनली एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, उसके अलावा कभी भी उनको मन नहीं करता। और दो सेक्शन बेटा आपको नेट से एक बार देख लेना है, छोटा सेक्शन है 26 और 26 ए, एक में है रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी और एक में है रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, याद रहेगा पक्का। 27 और 28 हमें पढ़ना नहीं है, है ही नहीं, रिफंड ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी 26 और 26 ए, और 27, 28 अपन को नहीं पढ़ना है, 29 टू 51 आज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था उसमें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, आ रही बातें समझ में। 51 तक बेटा सेक्शन खत्म, टोटल कितने पढ़ने थे 81, सिर्फ 30 सेक्शंस रह गए, फिर उसके बाद कस्टम खत्म। हाँ, डीनेचरिंग 140।